हाय, आई एम वॉन। ये मॉन्स्टरवर्स तो WWE जैसा होते जा रहा है। पहले तो सिर्फ 1v1 होता था, अब तो टैग टीम मैचेस भी होने लगे। गॉडजिला एंड कॉन्ग वर्सेस स्कार किंग एंड शीमू, या शीमो जो भी नाम है उसका। कसम से मैं थोड़ी देर के लिए इमेजिन कर रहा था कि इन्हें ना होलो अर्थ में एक बड़ा सा ओपन एरिया चूज करके कायदे से लड़ना चाहिए था। उसमें भी अगर पॉसिबल हो तो एक डायनासोर स्पीशीज का टाइटन भी ऐड कर देते जो रेफरी का काम करता। आई नो ज्यादा हो रहा है, पर यार ट्रेलर देख के मजा ही आ गया। जो म्यूजिक भी यूज किया उन्होंने, बढ़िया मूड बना रहा था टाइटन्स के बीच की मारामारी देखने के लिए। वैसे तुम लोग बताओ यार, तुम्हारा फेवरेट कौन है, गॉडजिला या कॉन्ग? मैं पर्सनली गॉडजिला को ओपी मानता हूँ, पर अब कॉन्ग भी थोड़ा थोड़ा फेवरेट होता जा रहा है। ये मूवी देख के पता चलेगा कि कौन सबसे ज्यादा ओपी है। हालांकि इस बार जो विलन्स देखने को मिले हैं और मूवी का टाइटल भी जो कह रहा है हमें, द न्यू एम्पायर, कहीं ये दोनों हार तो नहीं जाएंगे? थोड़े टाइम पीरियड के लिए सही, लेकिन हो सकता है। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है फिल्मों में, पहले हार जाना या कुछ सेटअप कर देना, फिर नेक्स्ट पार्ट में बवाल कमबैक करना, 1 बिलियन क्रॉस। सब नहीं कर पाती, पर आसपास तो पहुंच जाती है। और मॉन्स्टर वर्स तो ये आंकड़ा डिजर्व भी करता है सही में। पिछली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग की जो हाइप थी, मूवी 700-800 तो जानी चाहिए थी, पर कोविड के कारण उतना नहीं कर पाई। लेकिन कोई नहीं, इसको लेकर लग रहा है कि ये बिलियन तक जा सकती है, क्योंकि मार्च अप्रैल में इसको कॉम्पिटिशन दे सके उतनी बड़ी कोई मूवी नहीं है। तो आई होप ये बिलियन जरूर जाए। वैसे यार, ये शीमू नाम के टाइटन के बारे में तुम्हें पता था कि ऐसा भी कोई होने वाला है मूवी में? मैंने जब पहली बार ये शॉट देखा, मुझे तो गॉडजिला लग रहा था, क्योंकि स्कार किंग को लेकर मैंने एक बात सुन रखी थी, ये माइंड कंट्रोल कर सकता है। तो मुझे लगा कि इसने किया गॉडजिला को, पर बाद में पता चला कि ये तो एक अलग ही टाइटन है। एंड फिर ये भी पता चला कि ये पहला टाइटन है, सबसे पहला, जिसने आइस एज ला दिया था अपनी बर्फीली ब्रेथ से। सीधा सीधा आइस ब्रेथ बोल देना चाहिए था, पर मजा आता है ऐसे हिंदी इंग्लिश मिक्स करके। तो ये शीमू कितना पावरफुल है गॉडजिला के सामने, ये देखना इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि भले ही ये पहला है, पर अपना गॉडजिला भी किंग ऑफ द मॉन्स्टर्स है। याद है ना गिडोरा को कैसे पहला था? बाय द वे, एक और चीज मुझे कहनी थी कि तुम लोगों ने नोटिस किया, इस बार दोनों के लिए ओपोनेंट्स भी सेम स्पीशीज के चुने हैं। गॉडजिला के लिए उसी के जैसी चिपकली, और कॉन्ग के लिए भी उसी के जैसा तो नहीं, पर बंदर ही है, बस हाथ थोड़े लंबे है कॉन्ग से। बट जो वेपन है उसके पास, भाई बिल्डिंग को कैसे उखाड़ के फेंका, कहीं कॉन्ग को भी ऐसे लपेट के ना फेंक दे। वैसे फेंके तो बढ़िया है, मजा आएगा देखने में। यही चीजें तो देखने जाते हैं मेजोरिटी लोग इन मूवीज में। कई लोग हैं जिन्हें इन मूवीज का टाइटंस को लेके सीरियस नैरेटिव अच्छा लगता है, जैसे कि मैं। और ये फिल्म में जो रियल लाइफ इवेंट्स को मॉन्स्टरवर्स के लोर में ऐसे कनेक्ट करते हैं ना टाइटन से जोड़ के, लाइक फर्स्ट गॉडजिला मूवी में बताते हैं कि 1954 में जो न्यूक्लियर टेस्ट किए थे समुद्र में, वो कोई सिर्फ टेस्ट नहीं थे, वो किसी को मारने के लिए थे, गॉडजिला को मारने। अबे क्या बात कर रहे हो, मतलब सही में? और जो फुटेज भी उन्होंने दिखाई है, कुछ कुछ वो रियल है। तो ऐसा लगता है कि सही में गॉडजिला एक्सिस्ट करता होगा क्या, या फिर कोई और बड़ा मॉन्स्टर, यू नो। अलग फीलिंग आती है यार ऐसी चीजों के बारे में सोच के। तो हाँ, मैं बस यही कह रहा था कि इन मूवीज की भी एक फील होती है जो एक्शन और मारामारी के ना होते हुए भी ऑडियंस को इंटरेस्टेड बनाए रखती है। पर्सनली गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में ये चीज मुझे थोड़ी मिसिंग लगी, तो इसको लेकर मैं वो उम्मीद वापस नहीं लगा रहा। आई होप जो होलो अर्थ उन्होंने दिखाया था, इस बार थोड़ा ज्यादा एक्सप्लोर करे, कितने और अलग अलग मॉन्स्टर से अभी भी उनके बारे में बताए। सो हाँ, बस यही था। मिनी कॉन्ग को लेकर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए उसके बारे में कुछ नहीं कहा, और स्टोरी को लेकर भी कुछ नहीं बोला, क्योंकि एक ही महीना बचा है, अब देख लेंगे। बाय द वे, स्टार्टिंग में जो मॉन्स्टर वर्स को WWE के स्टाइल में मिक्स कर रहा था, उस वक्त तुम्हारे दिमाग में कोई टाइटंस और रेसलर्स के मैच बने थे क्या? जैसे कॉन्ग एज रोमन रेंज, ये देखने के बाद तुम मना नहीं कर सकते। क्या सुपरमैन पंच मारा है स्कार किंग को? गॉडजिला के लिए कौन सही रहेगा, जॉन सीना? नहीं, उसे तो कोई देख नहीं सकता। केन थोड़ा सही रहेगा, क्योंकि वो जब डीमन बन के आता है सबकी फाड़ देता है, मतलब सबकी। अब गॉडजिला को केन बनाया है, तो उसका जो ओपोनेंट है शीमू, उसके लिए अंडरटेकर से बेस्ट कुछ नहीं हो सकता आई थिंक, क्योंकि तुम सोचो ना, शीमू भी बहुत पुराना है और अंडरटेकर भी बहुत पुराना है, एंड दोनों ही जब अपने बेस्ट मूव्स मारते हैं तो उसके बाद ओपोनेंट हिल नहीं पाता है। तो क्या कहते हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ और है क्या? स्कार किंग के लिए तो तुम्हें ही बताना पड़ेगा, क्योंकि उसके लिए कोई बैठ नहीं रहा है मेरे दिमाग में। ब्रॉक लेसनर? नहीं, थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो रैंडी ऑर्टन? थोड़ा बहुत चल तो जाएगा, पर तुम लोग बताओ यार कौन सा बेस्ट रहेगा। ऑलराइट, तो बस यही था। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, मूवी सीरीज एंड टीवी शो से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। बाय।